Assalamualaikum everyone, welcome to VocabGram. In this lesson we are going to learn 101 daily use English sentences for beginners. ये जो लेसन है ये मैंने बिगनर्स को अपने दिमाग में रखकर जो है तैयार किया है। ये 101 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस हैं जो कि अगर इंग्लिश के बिगनिंग लेवल पर हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल हैं, क्योंकि अगर वो अपनी फ्लुएंसी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उनकी स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए ये जो लेसन है ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आप इस लेसन को जो है वो एंड तक देखिएगा, आप इसमें बहुत कुछ लर्न करेंगे, ठीक है। और आपकी इंग्लिश की जो फ्लुएंसी है वो इंशाल्लाह बहुत इम्प्रूव होगी। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पर है तो भी आपके लिए लेसन जो है वो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो इस लेसन को एंड तक देखिएगा। लेट्स बिगिन। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज ज्यादा देर मत लगाना। अगर कोई किसी काम को करने के लिए जा रहा है, कहीं जा रहा है या कोई काम करने वाला है, तो अगर आपने उसको कहना है कि इस काम को करने में ज्यादा देर मत लगाना, तो आप उसको इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट टेक सो लॉन्ग। डोंट टेक सो लॉन्ग कि ज्यादा देर मत लगाना। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज कौन है। अगर आपने किसी से पूछना, कोई बाहर है तो आपने पूछना है कि कौन है वहां पर, तो आप कह सकते हैं हु इज देयर। हु इज देयर। जैसे अगर आप किसी कमरे में जा रहे हैं, आपको कोई नजर आया और आपको नहीं पता कि कौन है वो शख्स, तो अगर आपने पूछना कि कौन है तो आप पूछेंगे हु इज देयर। हु इज देयर, ठीक है। इवन कि आप फोन पे भी पूछ सकते हैं, अगर किसी की कॉल आई और आपको नहीं पता है कि दूसरी तरफ जो इंसान है वो कौन है, तो आप उसको भी ऐसे पूछ सकते हैं कि हु इज देयर, ठीक है। और फिर उसके बाद वो शख्स जो है वो अपना नाम आपको बताएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम्हारे साथ कौन है, ठीक है। अगर आपने किसी से पूछना है कि कोई शख्स आया है और आपने पूछना है कि तुम्हारे साथ ये जो शख्स आया तुम्हारे साथ कौन है, तो आप उसको पूछ सकते हैं हु इज विद यू। हु इज विद यू। अब नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम कितने बजे उठते हो, मतलब कि कोई शख्स जो है वो सुबह कितने बजे उठता है, तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे व्हाट टाइम डू यू वेक अप। व्हाट टाइम डू यू वेक अप। वेकअप का मतलब है उठना, ठीक है। तो उसे टाइम पूछना है तो आप कहेंगे व्हाट टाइम डू यू वेक अप। वो आपको रिप्लाई में कह सकता है मैं 7 बजे सुबह उठ जाता हूँ, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आई वेक अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। अच्छा, ये याद रखिएगा, अब ये जो है ये थोड़ा फॉर्मल सेंटेंस है कि आई वेक अप मैं उठता हूँ एट 7 o'clock 7 बजे इन द मॉर्निंग सुबह में, ठीक है। लेकिन जब जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग ये नॉर्मली नहीं बोलते, तो वो क्या कहेंगे, अगर सुबह का टाइम है तो वो कहेंगे आई वेक अप एट 7 AM। अगर शाम का टाइम है तो आई वेक अप एट 7 PM। तो शाम को 7 बजे तो कोई नहीं उठता, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रही हूँ कि जो अगर आपने शाम का टाइम रात का टाइम बताना है तो आप जो है AM या PM जो है वो अक्सर लोग जो है ना फ्लुएंसी में वो बोलते हैं, मतलब इन दी मॉर्निंग इन दी इवनिंग इन दी नाइट, इसको थोड़ा लोग जो है ना वो ओमिट कर जाते हैं, AM और PM का जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम कितने बजे सोते हो। व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड। कि तुम सोते वक्त कोई शख्स है ना, जैसे आपने भी उठने का पूछा है, तो अगर आपने किसी से सोने का पूछना है तो उससे पूछेंगे व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड। देखिए, सोने के लिए जो इंग्लिश का वर्ड है वो स्लीप है, लेकिन जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो नॉर्मली स्लीप नहीं यूज करते हैं, वो गो टू बेड जो है वो यूज करते हैं। गो टू बेड का मतलब ये है कि आप सोने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड, कि तुम कितने बजे सोते हो या कितने बजे सोने के लिए जाते हो। और वो जवाब में कह सकता है कि मैं 11 बजे रात सोने जाता हूँ, ठीक है। तो इसमें भी मैंने देखे बताया है कि PM का यूज किया है, कि अगर आपने रात का कहना है तो आप कह सकते हैं आई गो टू बेड एट 11 PM। अब 11 इन द इवनिंग या 11 एट नाइट जो है वो कहने की बजाय आप आई गो टू बेड एट 11 PM जो है आप सिंपल ये कह सकती हैं कि आई गो टू बेड एट 11 PM। एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज कौन दस्तक दे रहा है। कोई दरवाजा बाहर से अगर खटखटा रहा है और आपने पूछना है कि बाहर कौन दस्तक दे रहा है, तो आप उसको इंग्लिश में पूछ सकते हैं हु इज नॉकिंग। हु इज नॉकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं हूँ उजमा। उजमा मेरा नाम है, मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा है। अब कोई भी शख्स है जो, अगर आप बाहर और आपने नॉक किया है और कोई आपसे अंदर से पूछ रहा है कि हु इज नॉकिंग और आपने बताना है कि मैं हूँ और आगे आप अपना नाम बताएंगे, तो आप उसको इंग्लिश में कह सकते हैं इट्स मी उजमा, ठीक है, कि ये मैं हूँ उजमा। इट्स मी कहकर आगे आप अपना नाम बता सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज 4 बजे का अलार्म लगा दो। अगर आपने किसी को कहना है कि अलार्म लगा दो इतने बजे का, 4 बजे 5 बजे जितने भी बजे का, तो आप उसके इंग्लिश में कह सकते हैं सेट द अलार्म एट 4 o'clock। सेट द अलार्म एट 4 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुमने मेरी चीजें कहाँ रखी हैं। आपने अपनी कोई भी चीज़ है किसी से पूछना है, किसी ने रख दी है और आपने पूछना है कि तुमने ये मेरी चीज़ कहाँ रखी है, तो उसको इंग्लिश में आप कहेंगे वेयर डिड यू पुट माई थिंग्स, वेयर डिड यू पुट माई थिंग्स। नेक्स्ट है उसको अपने साथ लाना, ठीक है, आप किसी से बात कर रहे हैं और किसी के बारे में कह रहे हैं कि उसको भी अपने साथ लाना, ठीक है, तो उसके लिए आप कह सकते हैं ब्रिंग हर विद यू या ब्रिंग हिम विद यू, ठीक है, कोई लड़का है तो उसके लिए हिम लगा दीजिए, अगर कोई लड़की है तो उसके लिए हर लगा दीजिए, ब्रिंग हर विद यू कि उसको अपने साथ लाना। नेक्स्ट इज मुझे अपने साथ ले जाओ, अगर आपने किसी को कहना है कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ, कोई कहीं जा रहा है तो उसको इंग्लिश में कहेंगे टेक मी विद यू प्लीज। प्लीज जरा जो हम ये जो लगाया है आगे ये थोड़ा पोलाइट होने के लिए लगाया है, आप इतना भी कह सकते हैं टेक मी विद यू कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ, लेकिन अगर आप बहुत ही पोलाइट होना चाह रहे हैं तो आप साथ में प्लीज लगा दीजिए। नेक्स्ट इज आप कहाँ हो, किसी से पूछना है कि कोई कहाँ पर है तो उसको पूछ सकते हैं आप वेयर आर यू, वेयर आर यू। नेक्स्ट इज मैं ऑफिस में हूँ, अब अगला इंसान जो कह सकता है मैं ऑफिस में हूँ या मैं स्कूल में हूँ, मैं कॉलेज में हूँ या फ्रेंड की तरफ हूँ, जहीं कहीं भी है वो शख्स तो वो जवाब में कह सकता है। अगर वो कहे कि मैं ऑफिस में हूँ तो वो कह सकता है आई एम इन द ऑफिस। अच्छा, इसका जो अगला है सेंटेंस जो नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं वो इन द ऑफिस जो है वो नॉर्मली यूज नहीं करते, वो कहते हैं आई एम एट वर्क, ठीक है, कि मैं काम की जगह पर हूँ, वो कहीं भी काम कर रहे हैं। एट वर्क का मतलब यह है कि ऑफिस में या जो भी उनकी काम की जगह है कि मैं उस जगह पर हूँ, आई एम एट वर्क, ठीक है, ये ज्यादा जो है ना नेटिव स्पीकर्स इस तरह से ज्यादा बोलते हैं। आगे मैं लेट हो जाऊंगा, अगर आपने कहना है कि मैं लेट हो जाऊंगा तो आप कहेंगे आई विल बी लेट, I'll be late। यहाँ पे जो कंट्रैक्शन यूज की है I के साथ, वो कंट्रैक्शन लगा के डबल L है, ये एक्चुअली I will be late, ठीक है, ये उसकी कंट्रैक्शन है। I will के साथ जो है ना उसको कॉन्ट्रैक्ट करके I'll, जब आप फ्लुएंसी में बोलेंगे तो इसको कहेंगे I'll be late, I'll be late, ठीक है, I will be late को हमने शॉर्ट कर दिया I'll be late। नेक्स्ट इज मेरा इंतजार मत करना, इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट वेट फॉर मी, डोंट वेट फॉर मी। नेक्स्ट इज ये काम खराब किसने किया, आप देखें घर के अंदर अक्सर होता है ना, किचन की ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर कोई किचन में आप नहीं है, आप कोई और है और उसने किचन में जो है ना वो कुछ पका रहा है या बना रहा है और किचन में अच्छा खासा जो है ना वो काम खराब कर दिया, चीजें जो ना बहुत बिखरी हुई है उसको गंदा कर दिया है, या ऐसा किसी भी तरह का कोई घर में ऐसा काम हुआ जो किसी ने खराब कर दिया है, तो आप उसको कह सकते हैं इंग्लिश में हु मेड दिस मैस, हु मेड दिस मैस कि ये किसने काम खराब किया, ये सारा जो इतना जो भी कर दिया है सब कुछ, तो उसके लिए आप कह सकते हैं हु मेड दिस मैस। नेक्स्ट इज तुम यहाँ क्यों हो, ठीक है, आप किसी से पूछना चाह रहे हैं कि तुम यहाँ क्यों हो, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू हेयर, वाई आर यू हेयर कि तुम यहाँ क्यों हो। नेक्स्ट इज तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पहले तो आपने पूछा कि तुम यहाँ क्यों हो, अब आप पूछ रहे हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो इसको इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट आर यू डूइंग हेयर, व्हाट आर यू डूइंग हेयर। नेक्स्ट इज तुम्हारा दोस्त कहाँ है, तुम्हारा दोस्त कहाँ है, इसको कहेंगे वेयर इज योर फ्रेंड, वेयर इज योर फ्रेंड। नेक्स्ट इज तुम्हारा दोस्त कहाँ से है, अगर आपने ये पूछना है, पहले तो आपने पूछा ना कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है, वेयर इज योर फ्रेंड, अगर आपने ये पूछना है कि वो कहाँ से है, मतलब वो किस इलाके से किस जगह से बिलोंग करता है, तो आप ये पूछेंगे वेयर इज योर फ्रेंड फ्रॉम, ठीक है, वेयर इज योर फ्रेंड फ्रॉम कि तुम्हारा जो दोस्त है वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो किस इलाके से बिलोंग करता है, ठीक है, तो उसके लिए आप कह सकते हैं वो लाहौर से है। एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ, लाहौर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लगाया है, जहाँ से भी है तो आप वो इलाके का नाम लगा के कह सकते हैं ही इज फ्रॉम लाहौर, ही इज फ्रॉम लाहौर। नेक्स्ट इज वो करता क्या है, वो करता क्या है, तो उसके लिए आप कहेंगे व्हाट डज ही डू, व्हाट डज ही डू। नेक्स्ट इज वो पढ़ता है, ठीक है, अगर वो स्टडी कर रहा है तो आपने अगर जवाब देना है तो आप कहेंगे ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट। नेक्स्ट इज वो जॉब तलाश कर रहा है, अगर वो स्टूडेंट नहीं है और वो जॉब तलाश कर रहा है तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब, लुकिंग फॉर जो फ्रेजल वर्ब है ये हम यूज करते हैं तलाश करना, किसी भी चीज को तलाश करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए लुकिंग फॉर जो है वो यूज किया जाता है। तो ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब। अगर आप अपनी कोई किताब तलाश कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं आई एम लुकिंग फॉर माई बुक, कि मैं अपनी किताब को तलाश कर रहा हूँ। लुकिंग फॉर जो है वो तलाश करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, ठीक है। कोई शख्स बड़ी जल्दी में है और आपने ये पूछना है कि तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, तो उसको आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं वाई आर यू इन सो हरी, वाई आर यू इन सो हरी, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। नेक्स्ट सेंटेंस इज इतनी जल्दी किस बात की है, ठीक है। एक ही सेंटेंस को आपने अगर दो डिफरेंट सेंसेस में कहना है तो उसको कैसे कहेंगे। जैसे अगर आपने किसी से कहना है कि तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, तो वो हमने पीछे पढ़ा। अब है कि अगर आपने ये कहना है कि तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है, ठीक है, ये आपने सुना होगा, नॉर्मल हम ये सेंटेंस बोलते हैं ना, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट्स ऑल दी हरी, व्हाट्स ऑल दी हरी, कि इतनी जल्दी किस बात की है, काम को आराम से करो, ठीक है। कोई शख्स अगर किसी काम को बड़े जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको कह सकते हैं कि व्हाट्स ऑल दी हरी, कि इतनी जल्दी किस बात की है, जरा आराम आराम से करो। हमें देर हो जाएगी, अगर ये कहना है कि हमें देर हो जाएगी तो कहेंगे वी विल बी लेट, वी विल बी लेट। आगे है हमारे पास बहुत वक्त है। अगर ये कहना है कि एक शख्स कहना ना हमें मतलब देर हो जाएगी और आपने आगे से कहना है कि नहीं नहीं हमें देर नहीं होगी, हमारे पास बहुत वक्त है, तो उसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज परेशान मत हो, परेशान मत हो, उसमें इंग्लिश में कहेंगे डोंट वरी, डोंट वरी। नेक्स्ट इज तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो, तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो, इसको कहेंगे वाई आर यू टॉकिंग लाइक दिस, वाई आर यू टॉकिंग लाइक दिस। नेक्स्ट इज तुम मेरे से फजूल सवाल क्यों पूछ रहे हो, तुम मेरे से फजूल सवाल क्यों पूछ रही हो या रहे हो, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वाई आर यू आस्किंग मी सच स्टूपिड क्वेश्चंस, Why are you asking me such stupid questions? Next is लोगों को हंसने दो, ठीक है। आप कोई कहना है कि अरे वो देखो वो हम पे हंस रहे हैं, और आपने अगर कहना है कि लोगों को हंसने दो, उनका तो काम है हंसना, तो उस इंग्लिश में कहेंगे आप let them laugh और let people laugh, ठीक है। नॉर्मली जो होता है ना people वर्ड नॉर्मली यूज नहीं करते, लोग कहते हैं कि let them laugh, उन्हें हंसने दो, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये कहना है स्पेसिफिकली कहना है तो आप लेट पीपल लाफ भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादा फ्लुएंसी के लिए जो है ना वो ज्यादा बेटर है कि लेट देम लाफ, कि उन्हें हंसने दो। नेक्स्ट इज हम सी फूड क्यों नहीं ट्राई करते, ठीक है ना। अगर कोई फ्रेंड्स है आपस में और कहीं खाने का प्लान हो रहा है और एक फ्रेंड कहता है कि हम सी फूड क्यों नहीं ट्राई करते, चलो हम सी फूड आज ट्राई करते हैं, तो उसको इंग्लिश में कह सकते हैं वाई डोंट वी ट्राई सम सी फूड, Why don't we try some seafood? कि हम सी फूड क्यों नहीं ट्राई करते, आज सी फूड खा के देखते हैं, ठीक है। तो उसको इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे। नेक्स्ट इज क्या ख्याल है, अगर किसी की ओपिनियन या किसी का ख्याल पूछना है ना कि भाई क्या ख्याल है आज हम सी फूड क्यों नहीं ट्राई करते, क्या ख्याल है तुम लोगों का, ठीक है। तो वो कह सकते हैं आगे से व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू से, कि मतलब तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम क्या कहते हो। किसी से अगर पूछना हो कि उसका क्या ख्याल, वो क्या कहता है, ठीक है, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू से, तुम्हारा क्या ख्याल है। हम किसी और दिन ट्राई करेंगे, अगर आपका मूड नहीं है और आपने ये कहना है कि नहीं नहीं हम किसी और दिन ट्राई करेंगे, तो उसको कह सकते हैं आप विल ट्राई सम अदर डे, विल ट्राई सम अदर डे। ये जो कंट्रैक्शन है विल, ये वी विल की है, ठीक है। विल जो विल है उसका डब्ल्यू काट की हमने जो डब्ल्यू आई काट के उसको कंट्रैक्शन वी के साथ वी के साथ जो है ना उसको जोड़ दिया है, ठीक है। फ्लुएंसी में अक्सर जो है ना वो लिंक करके वर्ड्स को बोला जाता है, ठीक है। जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो कंट्रैक्शंस का यूज करते हैं वो वर्ड्स को लिंक करके, ताकि जो है ना वो स्पीडली बोल सके। विल ट्राई सम अदर डे। नेक्स्ट इज अभी क्यों नहीं, अगर आप ये कहना चाहते कोई कह रहा है विल ट्राई सम अदर डे और आप कहेंगे नहीं नहीं अभी क्यों नहीं, तो उसको आप कह सकते हैं Why don't now? Why don't now? Next is अभी मेरा दिल नहीं कर रहा। अगर किसी भी चीज में आपने कहना ना अभी मेरा दिल नहीं कर रहा इस चीज को, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे आप right now I don't feel like। ये जो feel like है ना, ये यूज होता है ये कहने के लिए कि मेरा दिल नहीं कर रहा है, ठीक है, या मेरा दिल कर रहा है। आई फील लाइक ईटिंग चॉकलेट, कि मेरा चॉकलेट खाने को दिल कर रहा है। तो फील लाइक जो है ना, वो किसी भी चीज में अपने दिल कर रहा है या दिल नहीं कर रहा है, वो जो दिल का करना है ना, उसके लिए जो इंग्लिश में यूज करते हैं ना हम, वो फील लाइक यूज करते हैं। आई डोंट फील लाइक का मतलब ये है कि मेरा दिल नहीं कर रहा है, और अगर आपने कहना है कि मेरा दिल कर रहा है तो आई फील लाइक यूज कर लीजिए, ठीक है, डोंट को हटा दीजिए बीच में से, तो उसका मतलब हो जाएगा कि मेरा दिल ये करने को कर रहा है, ठीक है। आई फील लाइक ईटिंग चॉकलेट, कि मेरा चॉकलेट खाने को दिल कर रहा है। नेक्स्ट इज तुम जल्दी क्यों नहीं उठते हो? तुम जल्दी क्यों नहीं उठते हो? अगर आपने किसी से पूछना है कि तुम जल्दी क्यों नहीं उठते, तो उसको आप पूछ सकते हैं व्हाई डोंट यू वेक अप अर्लियर। व्हाई डोंट यू वेक अप अर्लियर, कि तुम जल्दी क्यों नहीं उठते हो। मैं उठ चुका हूँ, अगर आपने ये कहना है कि मैं उठ चुका हूँ या उठ चुकी हूँ, ठीक है, तो उसको आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम अवेक, कि मैं उठ चुका हूँ। अवेक का मतलब है उठना। नेक्स्ट इज मैं तुमसे 10 मिनट में मिलता हूँ, ठीक है, कि किसी से आपने कहना ना कि मैं तुमसे बस 10 मिनट में मिलता हूँ, तो उसको आप इंग्लिश में कहेंगे आई विल सी यू इन 10 मिनट्स। आई विल सी यू इन 10 मिनट्स। नेक्स्ट इज वो किताब वापस रख दो। वो किताब वापस रख दो। Put that book back. Put that book back. कि वो किताब जो है उसको वापस रख दो। नेक्स्ट इज चलो पैदल चलते हैं। चलो पैदल चलते हैं, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे लेट्स गो बाय फुट। लेट्स गो बाय फुट। अगर आपने कहना है कि चलो ट्रेन पे चलते हैं, ठीक है, तो लेट्स गो बाय ट्रेन। ये जो बाय ट्रेन बाय फुट है ना, किसी भी चीज के ऊपर चलने के लिए जो ना ये यूज होती है टर्म, ठीक है। तो लेट्स गो बाय फुट कि चलो पैदल चलते हैं, कि पैरों पे चलते हैं, ठीक है। या आपने ट्रेन पे बस पे कहना है तो बाय ट्रेन या बाय बस या बाय एयरप्लेन, ठीक है, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नंगे पैर मत चलो। नंगे पैर मत चलो। डोंट वॉक बेयरफुट। बेयरफुट का मतलब होता है नंगे पैर, ठीक है, तो डोंट वॉक बेयरफुट, कि नंगे पैर मत चलो। नेक्स्ट इज अपने जूते पहन लो। अपने जूते पहन लो। पुट ऑन योर शूज। पुट ऑन योर शूज। नेक्स्ट इज तुम फिक्र क्यों नहीं करते? तुम फिक्र क्यों नहीं करते? व्हाई डोंट यू केयर। कोई इंसान हो ना, किसी को किसी बात की केयर ना हो, और अगर आपने उसे कहना हो कि भाई तुम्हें केयर क्यों नहीं है, तुम्हें फिक्र क्यों नहीं है, ठीक है, तो उसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं व्हाई डोंट यू केयर। व्हाई डोंट यू केयर। नेक्स्ट इज मुझे तुम्हारी फिक्र है। मुझे तुम्हारी फिक्र है, कि मुझे तुम्हारी जो है ना फिक्र, अगर आपने ये कहना तो आप कह सकते हैं आई केयर फॉर यू। आई केयर फॉर यू। किसी भी इंसान को अगर आपने ये जतलाना हो कि भाई मुझे तुम्हारी फिक्र है, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं आई केयर फॉर यू। नेक्स्ट इज अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, इसको कहेंगे हाउ आर यू फीलिंग नाउ। हाउ आर यू फीलिंग नाउ। अगर कोई शख्स बीमार था, आप कुछ देर बाद उसे मिलने जा रहे हो, आपने उसे पूछना कि अभी तुम्हारी तबीयत कैसी था, आप पूछेंगे हाउ आर यू फीलिंग नाउ। हाउ आर यू फीलिंग नाउ। नेक्स्ट इज तुम्हारा काम कैसा जा रहा है, ठीक है, किसी से उसका काम पूछना हो तो आप पूछेंगे हाउ इज योर वर्क। हाउ इज योर वर्क, कि तुम्हारा काम कैसा जा रहा है। नेक्स्ट इज तुम्हारी तैयारी कैसे जा रही है। अगर किसी का कोई एग्जाम वगैरह है और उसे पूछना कि तुम्हारी तैयारी कैसी जा रही है, तो आप उससे पूछेंगे हाउ इज योर प्रिपरेशन। हाउ इज योर प्रिपरेशन, कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी है, तुम्हारी तैयारी कैसी है, ठीक है, अच्छे से तैयारी की कि नहीं की, तो आप कहेंगे हाउ इज योर प्रिपरेशन। आगे आप ये भी कह सकते हैं हाउ इज योर प्रिपरेशन फॉर द टेस्ट, और हाउ इज योर प्रिपरेशन फॉर एग्जाम्स, जो भी उस चीज जिस चीज के लिए भी वो तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो आप आगे उससे वो भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज तुम्हारी सालगिरह कब है। तुम्हारी सालगिरह कब है, ठीक है, किसी की आपने बर्थडे पूछना हो कि वो कब है, तो आप पूछेंगे व्हेन इज योर बर्थडे। व्हेन इज योर बर्थडे, कि तुम्हारी सालगिरह कब है। नेक्स्ट इज उसकी तबीयत खराब है। उसकी तबीयत खराब है, तो उसके लिए कह सकते हैं आप ही इज नॉट फीलिंग वेल। ही इज नॉट feeling well. या ये भी कह सकते हैं he is in bad health. अच्छा देखें, जो feeling well है ना, अगर किसी को बताना है कि उसकी अगर कोई नॉर्मल किस्म की तबीयत खराब है, ठीक है, तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि he is not feeling well या she is not feeling well, ठीक है. लेकिन अगर किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है कि उसकी हेल्थ जो है वो बहुत पुअर होगी, उसकी सेहत जो है वो बहुत ख़राब होगी, खुदा ना खास्ता कोई किसी बड़ी बीमारी में है और उसकी वजह से उसकी सेहत काफ़ी ख़राब होगी, तो उसके लिए आप कह सकते हैं he is in bad health या she is in bad health, कि वो बहुत ही बुरी हेल्थ की कंडीशन में है, ठीक है, कि उसकी हेल्थ जो है वो काफी खराब हो चुकी हुई है. नेक्स्ट इज ये दवाई कड़वी है, ये दवाई कड़वी है, इसको आप कह सकते हैं दिस मेडिसिन इज बिटर, दिस मेडिसिन इज बिटर. नेक्स्ट इज मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, उसके लिए कहेंगे आप आई एम ग्रेटफुल टू यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू. नेक्स्ट इज आपके मशवरे का बहुत शुक्रिया, आपके मशवरे का बहुत शुक्रिया, इसको आप कहेंगे वेरी थैंक्स फॉर योर एडवाइस, वेरी थैंक्स फॉर योर एडवाइस, कि आपके मशवरे का बहुत शुक्रिया. नेक्स्ट इज आपको जन्मदिन की मुबारक हो, ठीक है, किसी को आपने उसकी सालगिरह, उसकी जन्मदिन की मुबारकबाद देनी है तो बहुत कॉमन है ये हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है, ये बहुत कॉमन है. नेक्स्ट इज ये दिन बार बार आए, ठीक है, आपने किसी को कहा कि हैप्पी बर्थडे टू यू और उसके बाद आप उसको दुआ दे रहे हैं लंबी जिंदगी की, और लंबी जिंदगी की दुआ देने के लिए आप कह रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी में ये दिन बार बार आए, तो उसके लिए आप कह सकते हैं मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. नेक्स्ट इज आपके मुबारकबाद का शुक्रिया, जिसको आपने कहा है कि मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे या हैप्पी बर्थडे टू यू, वो शख्स कह सकता है कि आपकी मुबारकबाद का शुक्रिया, ठीक है, तो वो कह सकता है थैंक्स फॉर योर विश, थैंक्स फॉर योर विश. नेक्स्ट इज तुम फलो फूलो, अगर आपने किसी को दुआ देनी है ना कि तुम फलो फूलो खूब तरक्की करो, ठीक है, तो उसके लिए आप कह सकते हैं इंग्लिश में मे यू फ्लरिश, मे यू फ्लरिश, कि तुम फलो फूलो. नेक्स्ट इज प्लीज तशरीफ रखिए, प्लीज तशरीफ रखिए, कि मतलब यहाँ पे प्लीज बैठ जाइए, तो उसको आप इंग्लिश में कहेंगे प्लीज हैव अ सीट, प्लीज हैव अ सीट, कि प्लीज यहाँ पर बैठ जाइए. आराम से बैठिए, आराम से बैठिए, इसको कहेंगे इंग्लिश में मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, कि कोई आपके घर में आया है, आपने उसको कहा है कि प्लीज हैव अ सीट, कि प्लीज यहाँ पर बैठिए, और कोई थोड़ा सा ना फॉर्मल हो रहा है, तो आपने अगर उसको कहना है कि नहीं आराम से बैठिए, फिक्र मत कीजिए, तो आप उसको कह सकते हैं इंग्लिश में मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, कि बिल्कुल आराम से बैठिए. नेक्स्ट इज ये शर्ट कितने की है, अगर आपने किसी से किसी भी चीज की कीमत पूछनी है तो आप उसको इंग्लिश में कह सकते हैं हाउ मच फॉर दिस शर्ट, हाउ मच फॉर दिस शर्ट, कि ये शर्ट कितने की है. आप किसी दुकान पे गए हैं, किसी भी चीज़ की कीमत पूछनी है तो उसके लिए आप ये कह सकते हैं कि हाउ मच फॉर दिस या दैट, और जो भी वो चीज़ है उसको आगे आप बोल सकते हैं. या आप ये भी कह सकते हैं, जो सेकंड उसका सेंटेंस है वो है कि व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस शर्ट, हाउ मच फॉर दिस शर्ट, ये भी ठीक है, या व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस शर्ट, ये भी ठीक है, कि इस शर्ट की क्या कीमत है. नेक्स्ट इज बस बिल बना दें, अगर आपने शॉपिंग कर ली है और आपने कहना है कि बस अब इसका बिल बना दें, तो आप उसको क्या कहेंगे इंग्लिश में दैट्स ऑल प्लीज मेक द बिल, कि दैट्स ऑल के बस इतना ही मुझे लेना था, प्लीज मेक द बिल, कि अब इसका जो है ना आप बिल बना दीजिए, ठीक है. नेक्स्ट इज पैसे गिन लें, आपने पैसे दिए, आपने पेमेंट की और आपने किसी से कहना है कि गिन लें कि ये पूरे ही है ना, तो आप उसको कहेंगे इंग्लिश में प्लीज काउंट द मनी, प्लीज काउंट द मनी. नेक्स्ट इज तुमने अभी क्या कहा, किसी ने कुछ बोला आपको समझ नहीं आई तो आपने कहना है कि तुमने अभी क्या कहा, तो आप उसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डिड यू जस्ट से, व्हाट डिड यू जस्ट से, कि तुमने अभी क्या कहा. नेक्स्ट इज जरा दोबारा कहना, अगर आपने कहना है कि व्हाट डिड यू जस्ट से जरा दोबारा कहना, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे कम अगेन, कम अगेन. से अगेन भी लोग यूज करते हैं, लेकिन नॉर्मली जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो कम अगेन कहते हैं, ठीक है, कि दोबारा कहना. अपने अल्फाज मत दोहराओ, अपने अल्फाज मत दोहराओ, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट रिपीट योर वर्ड्स, डोंट रिपीट योर वर्ड्स कि अपने अल्फाज मत दोहराओ। मुझे आपकी समझ आ गई है, मुझे आपकी समझ आ गई है। आई गॉट यू, आई गॉट यू। यहाँ पर लोग कहते हैं कि आई अंडरस्टैंड यू, नहीं वो गलत है। जो सही जो उसका सेंटेंस है वो है कि आई गॉट यू, कि मुझे तुम्हारी समझ आ गई है। ठीक है, जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो कभी नहीं कहते कि आई अंडरस्टैंड यू, वो हमेशा कहते हैं आई गॉट यू, कि मुझे आपकी समझ आ गई है। बिजली चली गई, जो कि हमारे यहाँ अक्सर होता रहता है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये तो हम कितना बोलते हैं, तो रोजमर्रा में ही बोलते हैं कि बिजली चली गई, लाइट चली गई। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, द पावर इज आउट, द पावर इज आउट, ये बिजली चली गई। अब अगर उसके बाद बिजली आ जाए, जो कि बड़ी खुशी की बात है, तो उसके लिए आप कहेंगे द पावर इज बैक ऑन, द पावर इज बैक ऑन। बिजली चली जाए तो कहेंगे द पावर इज आउट, कि बिजली जा चुकी है। और अगर वो वापस आ जाए तो आप कहेंगे द पावर इज बैक ऑन, द पावर इज बैक ऑन। नेक्स्ट इज बिजली कब आएगी। अगर आपने किसी से पूछना बिजली चली गई, कोई पूछ रहा है यार बिजली कब आएगी, कब तक आ जाएगी लाइट, तो आप उसको कह सकते हैं व्हेन विल द पावर बैक, व्हेन विल द पावर बैक। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई इज दिस हैपनिंग, व्हाई इज दिस हैपनिंग। नेक्स्ट इज ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, ये हम अक्सर बोलते हैं ना, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे व्हाई दिस हैपन्स टू मी ओनली, व्हाई दिस हैपन्स टू मी ओनली, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट इज तुम कब आ रहे हो, किसी से पूछना है कि तुम कब आ रहे हो, तो उसको पूछेंगे व्हेन आर यू कमिंग, व्हेन आर यू कमिंग। नेक्स्ट इज तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम कहाँ से आ रहे हो, इसको पूछेंगे आप वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, कि तुम कहाँ से आ रहे हो। अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि कोई शख्स कहाँ से बिलोंग करता है, जो कि मैंने पीछे भी आपको बताया है, तो उसके लिए आप कहते हैं वेयर आर यू फ्रॉम। ठीक है, कि तुम कहाँ से हो, कि तुम किस इलाके से हो, किस जगह से हो, तुम कहाँ से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आप वेयर आर यू फ्रॉम। लेकिन अगर आप किसी को कह रहे हैं कि तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो, कोई कहीं से आया है और आपको नहीं पता कि कहाँ से आया, तो फिर आप कहेंगे वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, कि तुम कहाँ से आ रहे हो। नेक्स्ट इज चलो कोई बात नहीं, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे इट्स ओके, इट्स ओके। अच्छा, इसके लिए नेवर माइंड भी यूज होता है, नेवर माइंड, लेकिन नेवर माइंड थोड़ा सा रूड है। ठीक है, तो नॉर्मली जो हम यूज करते हैं वो है इट्स ओके, कि कोई बात नहीं। किसी ने कोई गलती की, आपसे सॉरी उसने की, आपने कहा चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप उसके लिए कहेंगे इट्स ओके। जैसे तुम्हारी मर्जी, किसी को कहना हो कि जैसे तुम्हारी मर्जी, तो उसको कहेंगे एज यू विश या एज यू लाइक। ठीक है, दोनों ही ठीक है, एज यू विश एज यू लाइक, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तो एक लफ्ज नहीं बोली, होता है ना तुमने ये कहा था, और अगर आपने कहना नहीं मैं तो एक लफ्ज नहीं बोली, तो उसके लिए कहेंगे आई डिड नॉट से अ वर्ड, आई डिड नॉट से अ वर्ड। अच्छा, से की जगह पे अटर भी वर्ड यूज हो जाता है, UTER। ठीक है, अटर भी जो है ना वो वर्ड यूज होता है कि आई डिड नॉट अटर अ वर्ड, लेकिन आई डिड नॉट से अ वर्ड थोड़ा ज्यादा फ्लुएंट लगता है। ठीक है, मैं तो खामोश थी, मैं तो खामोश थी, उसके लिए कहेंगे आई वॉज क्वाइट, I was quiet. Next is तो फिर कौन बोला। अब टीचर क्लास में पूछ सकती है ना कि फिर कौन बोला, वो एक तुम बोली थी, उसने कहा नो मैम आई वॉज क्वाइट, कि मैं तो खामोश थी, तो टीचर बोलते तो फिर कौन बोला, तो वो कह सकती हैं कि देन हु स्पोक या देन हु वाज इट। हु वाज इट का मतलब ये है कि तो फिर कौन था कि जो बोला, तो देन हु स्पोक ये भी करेक्ट है, कि फिर कौन बोला, या who was it कि ये कौन था जो बोला था। ठीक है, नेक्स्ट मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, तो उसके लिए कह सकते हैं आई डोंट नो, या फिर आप ये भी कह सकते हैं आई हैव नो आइडिया। आई डोंट नो का मतलब ही मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया इसका भी यही पता मतलब है कि मुझे नहीं पता। नेक्स्ट इज आप किससे मिलना चाहते हैं, आप किससे मिलना चाहते हैं, तो इसके लिए है whom do you want to see, whom do you want to see, तो इसका नेक्स्ट जो मैंने देखे दो सेंटेंस लिखे हैं, हु डू यू वांट टू सी और हुम डू यू वांट टू सी। इसका दोनों करेक्ट है अपनी जगह पर, इसमें फर्क यह है कि हुम जो है वो फॉर्मल है, ठीक है, और ग्रामेटिकली जो करेक्ट है वो हुम ही है। लेकिन जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो जब बोलचाल में बोलते हैं तो वो हुम नहीं बोलते हैं, वो हु बोलते हैं, हु डू यू वांट टू सी, कि आप किससे मिलना चाहते हैं, ठीक है। करेक्ट दोनों ही है, ग्रामेटिकली जो है वो हुम करेक्ट होता है, लेकिन नेटिव स्पीकर जब बोलते हैं फ्लुएंसी में तो वो उसको हु बोलते हैं, हु डू यू वांट टू सी। तो आप दोनों में से कोई भी जो है वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैं यहाँ सारा से मिलने आई हूँ, मैं यहाँ सारा से मिलने आई हूँ, तो आप कह सकते हैं आई एम हियर टू सी सारा, आई एम हियर टू सी सारा, कि मैं सारा से मिलने आई हूँ। नेक्स्ट इज क्या वो घर पे है, आप अगर नेक्स्ट पूछना चाह रहे हैं कि क्या वो घर पे है तो आप कह सकते हैं इज शी एट होम, इज शी एट होम। रुको मैं उसे बुलाती हूँ, आपने जिसे भी पूछा है कि इज शी एट होम और वो कहती हैं कि अच्छा रुको मैं उसे बुलाती हूँ कि वो घर पे ही है, तो वो इंग्लिश में कह सकती हैं वेट आई कॉल हर, वेट आई कॉल हर, कि मैं उसे बुलाती हूँ। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम प्लीज्ड टू सी यू, आई एम प्लीज्ड टू सी यू। इसको इंग्लिश में ये भी कहते हैं आई एम ग्लैड टू सी यू, आई एम प्लीज्ड टू सी यू, दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट इज तुम यूएसए से वापस कब आई, तुम यूएसए से कब वापस आई, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम यूएसए, व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम यूएसए, कि तुम यूएसए वापस कब आई। पिछले हफ्ते, वो जवाब में कह सकती है पिछले हफ्ते, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे लास्ट वीक, लास्ट वीक। तुमने मुझे बताया ही नहीं, कि वो कहीं लास्ट वीक आई और उसने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, तो आप कह सकते हैं तुमने मुझे बताया ही नहीं, तो वो इंग्लिश में आप कहेंगे यू डिड नॉट इवन इन्फॉर्म मी, यू डिड नॉट इवन इन्फॉर्म मी। वो कहेगी मैं अपनी चीज़ें खोलने या संभालने में मसरूफ थी। देखें जब कोई भी शख्स बाहर से आता है जाहिर है उसकी चीज़ें पैक होती हैं, तो उनको खोलना, उन सारी चीज़ों को संभालना, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो इंग्लिश में आप कह सकते हैं आई वॉज बिजी इन अनपैकिंग माई थिंग्स, आई वॉज बिजी इन अनपैकिंग माई थिंग्स भी कह सकते हैं, या स्टफ भी कह सकते हैं। नॉर्मली लोग स्टफ यूज़ करते हैं वर्ड, ठीक है, कि आई वॉज बिजी इन अनपैकिंग माई स्टफ, कि मैं जो भी मेरा चीज़ें, जो भी मेरा साजो सामान था उसको अनपैक करने में मसरूफ थी, मतलब कि उसको खोल के हर जगह के बैग्स के अंदर पैक होता है तो उसको खोल के उसको अपनी जगह पे रखने में मसरूफ थी। पुरानी सहेलियों से मिलने का प्लान करते हैं, पुरानी सहेलियों से मिलने का प्लान करते हैं, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे लेट्स प्लान अ मीटअप विद ऑल फ्रेंड्स, लेट्स प्लान अ मीटअप विद ऑल फ्रेंड्स। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है, आपको बहुत अच्छा लगा कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा ख्याल है, इसको कहेंगे इट्स अ ग्रेट आइडिया, इट्स अ ग्रेट आइडिया। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, आप किसी अननोन इंसान से मिले हैं, उसका नाम पूछना चाहते हैं आप, तो आप कह सकते हैं मे आई नो योर नेम, मे आई नो योर नेम। यकीनन मेरा नाम अली है, अगर आपसे कोई पूछता है कि मे आई नो योर नेम, आप कहना चाहते हैं कि यकीनन मेरा नाम ये है, जो भी है आपका नाम, तो आप कह सकते हैं श्योर माय नेम इज अली, श्योर मतलब कि यस, आप पूछ सकते हैं मेरा नाम और मेरा नाम अली आ गया, आप अपना नाम बता सकते हैं। नेक्स्ट इज आप कैसे तशरीफ लाए, मतलब कि आप किस वजह से आए, क्या काम है आपको, किसी से पूछना हो अगर आपने कि आप कैसे आए हैं, आप कैसे तशरीफ लाए, तो वो कह सकते हैं व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, मतलब कि आप किस काम से आए हैं, किस वजह से आए हैं, ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कह सकते हैं मैं यहाँ बिल पे करने आया हूँ, कोई भी काम है वो आप बोल सकते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये बोला है मैं यहाँ बिल पे करने की, मैं अपना बिल पे करने आया हूँ, आई एम हेयर टू पे द बिल, आई एम हेयर टू पे द बिल। आप जो भी आपका काम है कह सकते हैं आई एम हेयर टू फ्ला फ्ला फ्ला, जो भी आपका काम है। और लास्ट सेंटेंस इज बड़ी मेहरबानी मेरा बिल जमा कर लें, बराए मेहरबानी मेरा बिल जमा कर लें, इसको इंग्लिश में कहेंगे प्लीज कलेक्ट माय बिल, प्लीज कलेक्ट माय बिल। आप बिल जमा करवाने गए हैं और आपने उसे कहना है कि प्लीज मेरा बिल वो जमा कर लें, तो आप कहेंगे प्लीज कलेक्ट माय बिल, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस लेसन। आई होप कि जितने भी डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस फॉर बिगनर्स थे या आपको पसंद आए हैं, आपने कुछ ना कुछ नया सीखा है। अगर आपको ये लेसन जो है वो पसंद आया है और ये जितने भी डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस फॉर बिगनर्स थे ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल थे, तो प्लीज़ इस लेसन को जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जो भी लोग आपको लगता है कि जो इंग्लिश सीख रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आई विल सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।